नमस्कार भाइयों, फैंटेसी प्राइम मेंबर में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने राम चौधरी का एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा आज आप लोगों को, जो कि आप लोग जान के दंग हो जाएंगे। आप लोग उसका प्राइम देने से पहले सावधान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग असावधानी के कारण उसको बहुत सारे पैसे देते जा रहे हैं कि अच्छा टीम देगा, अच्छा टीम देगा, बट अच्छा टीम नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है इसको आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो ना? आपको तो लगता है वो अच्छा टीम नहीं दे रहा है, लेकिन हमको तो लगता है वो अच्छा टीम बनाता ही नहीं है, या फिर अगर बनाता है तो वो देना ही नहीं चाहता, खाली पैसे लेना चाहता है। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे वो लोगों को नहीं दे रहा है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो चलिए मैं आज उसी का ही टेलीग्राम चैनल खोल के आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है। ये वीडियो बनाने का कारण वही है, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ये देख रहे हैं, राम चौधरी का टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री वाला, ये सब मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि आखिर गलती वो कहाँ करता है। वो ठीक है, टीम बनाता है और आपको दिखाता भी है कि मैं ये टीम देता हूँ, ये टीम से मैं खेलता हूँ, यही टीम मैं अपने प्राइम में देता हूँ। आज मैं उसी का सच्चाई बताऊँगा कि आखिर वो सच में ऐसा करता है या नहीं करता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से समझ जाएंगे। पहले मैं उसका डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? इतना डाउनलोड कर लिया हूँ, इतने में आप लोग शायद समझ जाओगे। इसके बाद अगर नहीं समझते हो तो वीडियो में कमेंट करना, पूरी वीडियो बना दूँगा और भी बना दूँगा। वैसे आप लोग इस पे इसके फ्री वाले चैनल पर विजिट करके वो सब देख पाओगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि राम चौधरी अपने 6 मंथ प्लान में 5999 वाले प्लान में 10 टीम देता है। जिनको नहीं पता है वो हमारी पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ मैं बताया हूँ कि वो कितना टीम देता है, ठीक है? तो इसने अभी एक शेड्यूल डाला है मैच का, तो आप लोग 10 टीम वाला तो माहौल समझ सकते हैं। अल्ट्रा प्रीमेंबर दिया है उसका माहौल आप लोग नहीं समझे हैं, लेकिन मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे उसने ये दिखाया कि मैंने इतना विन किया है, ठीक है, विन किया है भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेस्ट ज्वाइन करने के तरीके से आप विन कर सकते हो। मैं कंटेस्ट ज्वाइन करने का तरीका भी प्राइम मेंबर्स को बताता हूँ। कंटेस्ट ज्वाइन करने के तरीके के द्वारा भी आप लोग आसानी से विन कर सकते हो, क्योंकि कंटेस्ट ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी कंटेस्ट को ज़्यादा पॉइंट पे होने पर भी विन नहीं करते हो, और किसी किसी कंटेस्ट को आप लोग कम पॉइंट होने पर भी विन कर सकते हो। यही उसकी लॉजिक है, जो कि लॉजिक आपको समझ नहीं आती है। विन कर जाते हो तो लगता है कि इतने ही पॉइंट पर और विन कर गया और नहीं किया, ये क्या बात है? ये बात है ना भाई, इस बात को समझना पड़ता है। और ये बात मैं अपने प्राइम ग्रुप में डाल रखा हूँ पहले से, कौन सा कंटेस्ट आपको खेलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भाई ने विनिंग दिखाया, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया। ये सब दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, और विनिंग होता है, मेरा भी होता है, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। अब बात हुई रही बात कि उसने गलती कहाँ पर की है, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये रही टीम, उसकी टीम भी सही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी मेंबर में जो दिया है, 10 टीम देता है और डिलीट कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है कि डिलीट कर दिया है। आप यहाँ पे देखो कि अभी यहाँ पे 3 मेंबर लिखा है, यानी कि वो 3 मेंबर के नाम पे इस टीम को दिया था। किस नाम से दिया था? 3 मेंबर के नाम पे, यह आप लोग देख रहे हो। तो उसने 3 मेंबर से ही आखिर क्यों खेला, और आखिर 3 मेंबर के नाम पर इसको क्यों दिया, ये आप सोचो। ये देखो, कुछ अगला वाला दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाइयों आप लोगों ने ये देख ही लिया कि यहाँ पे 3 मेंबर वाले से उसने दिखाया कि प्ले किया हूँ, जैसे इसको आप लोग देख सकते हो। अब आपको मैं एक और मैच का दिखा देता हूँ। ऐसे ऊपर आओगे आप बहुत सारे मैच का देखने पाओगे। यहाँ पे उसने प्राइम ग्रुप का नहीं दिया है, उसके 10 टीम में से कोई भी टीम शायद ना फंसा हो या प्राइवेसी टाइम ना हो, इसलिए प्राइवेसी ऑफ करना पड़ता है। टाइम ना होने के कारण भी नहीं दिया जा सकता है, मैं भी नहीं देता हूँ क्योंकि प्राइवेसी ऑफ करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है और अपने पास टाइम नहीं होता है तो वो नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखो,
अब वो यहाँ पे दिखा रहा है रिस्क, यानी रिस्की टीम। 10 टीम दिया, उसमें से रिस्की टीम के नाम पे जो टीम दिया है वो टीम उसकी अच्छी खासी गई है। तो अब उसने यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं रिस्की टीम से प्ले किया था और यहाँ पे इतना खास अच्छा खासा विन किया है। तो आप लोग देखो कि वो हर बार अलग अलग टीम से कैसे प्ले कर रहा है। कभी कभी एक अलग ही 10 में से अलग टीम देता है, और कभी कभी जब उसका कोई भी 10 टीम में से एक टीम फंस जाता है तो उसी को दे देता है। कभी रिस्की, कभी 3 मेंबर, कभी 4 मेंबर, कभी GL, तो कभी क्या देता है। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि वो बिल्कुल भी सही टीम नहीं देता है। जो समझ में आए वो टीम 10 तो डाल देता है, बस ऐसे ही उसी 10 में से एक अल्ट्रा में डाल देता है, कभी 3 डाल देता है जिसमें से कोई अच्छा पॉइंट नहीं देती है। 200, 300, 400 पॉइंट पे उसकी टीम रह जाती है। तो दोस्तों इस बात से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करें।